गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, सुबह के बजे हैं 7:30 और ये जो मेरा मुंह दिख रहा है ये कल रात का मेकअप मैंने नहीं हटाया था। रात आए थकान हुई, सो गए बिल्कुल ही और मेकअप वेकअप कुछ नहीं मिटाया। और अभी तन्वी एंड अमित रेडी हो चुके हैं स्कूल और ऑफिस जाने के लिए। ये रहे अमित सिंह अधिकारी। तन्वी अधिकारी कहाँ चलेगी? तन्वी अधिकारी खिलौने छोड़ो, स्कूल नहीं जाना है। तो फाइनली 3-4 दिन की छुट्टी के बाद तन्वी आज स्कूल जा रही है। बहुत रिलैक्स फील होगा मुझे क्योंकि आज पूरा मतलब फुल डे स्कूल है, तो मतलब वही 12:30-1 बजे तक छुट्टी होगी, तो थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाता है, नहीं तो घर पे तो ये परेशान करती है। सो गाइस, पूजा पाठ हो चुकी है, थोड़ा लेट हो गया था, मतलब 10 बज चुके हैं, तो 10 बजे मेरी पूजा पाठ हुई क्योंकि बहुत सारा काम था। कपड़े वपड़े धोए, गेहूँ धोए, थोड़ा सा सफाई वगैरह की क्योंकि कल से इतना सारा सामान फैला है। अभी भी इस तरह में देख सकते हैं इतने कपड़े मेरे फोल्ड करने रह गए। ये कपड़े कल के धुले हुए हैं तो ये फोल्ड करने हैं मैंने अभी। अब बस कुछ नहीं, एक केला खाती हूँ, दूध पीती हूँ और एक केला खाती हूँ और इन कपड़ों का फोल्ड करती हूँ। तब तक टाइम भी हो जाएगा तन्वी को लाने का। मतलब लेटे लेटे यहाँ पता नहीं चला कि 12:30 बज चुके हैं एंड तन्वी को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। आज देखिए ज़रा मेरा दिया कितनी देर तक चल रहा है। मतलब वैसे भी अभी लेट थी तो पूजा हुई है, बट फिर भी बहुत देर तक चल रहा है। मैं अखंड ज्योत नहीं रखती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता, जैसे हम कभी मार्केट चले गए फिर दिया में नहीं है या फिर कभी कहीं जाना पड़ गया, तो इस वजह से अखंड ज्योत नहीं रखती हूँ। तो फिलहाल बाहर तो बहुत खतरनाक धूप हो रखी है, मेरे गेहूँ भी अच्छी तरीके से सूख जाएंगे, तो छाता लेना पड़ेगा। एंड वो रही तन्वी क्लास। और देखिए ज़रा सबसे आगे खड़ी है मैडम। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरा है आज फास्ट, मतलब नवरात्रि के फास्ट है, आज नहीं 8 दिन तक रहेंगे। तो मैं खाना नहीं खाती हूँ, फलाहारी खाती हूँ खाली। और अभी मैंने अपने लिए बना रखा है लंच, लंच में बना रखे हैं ये फलाहारी आलू, मतलब बॉयल्ड आलू में सेंधा नमक, मतलब 2 बॉयल्ड आलू थे उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा घी और थोड़े से मैंने मूंगफली डाल रखी है। और ये है खीरा और ये है दही। तो ये मेरा है लंच। तो ये मेरा भी 8 दिन तक ऐसा ही खाना रहेगा। आलू में पूरा कभी, मतलब मैं आलू खाती ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है आलू, और इस पूरी नवरात्रि मुझे आलू खाने पड़ते हैं। तो फिलहाल सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5:30 बज गए और हम दोनों सो गए थे, तो अभी उठे हैं। मेरा सर में दर्द अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। सो फिलहाल अभी कुछ बनाते हैं, चाय है थोड़ा सा, वो ये रहा साबुदाना जो कि अब मैं रात को बनाने वाली हूँ। अधिकारी जी भी आ गए, हेलो बोल दिया करो यार, कैसे हो? इतने ऐसा सा मुंह लेकर आते हैं, हेलो भी नहीं बोलते यार फोन में देख के। लोग ब्लॉग देख के हेलो बोलते हैं ऐसे। तो मेरे सामने लाते नहीं है, किसके सामने ले जाऊं? सामान लिया है, नहीं मिला वो चावल व्रत वाले व्रत के चावल होते हैं। सामान कमेंट करके बता देना यार कि व्रत के चावल होते नहीं होते और कौन से होते, भी दिखा दे भी देना किसी के पास अगर फोटो होगी तो। व्रत के चावल होते हैं उनको बोलते हैं समा के चावल, समक चावल या समा के चावल बोलते हैं। उनको हंस रहे थे दुकान वाले, कैसे दुकान वाले हैं उनको पता नहीं है जो कि व्रत के चावल होते हैं। कल बताऊंगी मैं उनको व्रत के चावल होते हैं करके, कौन कौन बैठे थे बच्चे थे कल बताऊंगी उनको, मैं दिखाऊंगी व्रत के चावल। तो ये वो बच्चों से इनसे बोला व्रत के चावल, तो हंस रहे थे कह रहे हैं ऐसा भी कुछ होता है। कुट्टू काटा था, चावल भी होता है ना। तो मेरे शाम का स्नैक्स रेडी हो चुका है, ये बनाई है मैंने कॉफी और अपने लिए थोड़े से मखाने और थोड़े से मूंगफली घी में फ्राई कर रखे हैं। ये मस्त लगता है अच्छे से, इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल रखा है। तो अभी 6 बज रहा है, थोड़ा सा हल्का सा पेट फुल हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा साबुदाना बनाऊंगी अपने लिए और तन्नू के लिए क्योंकि वो ही खाएगी जो मैं अपने व्रत में खाती हूँ। ये थी रात की खाने की तैयारी। तो अभी हमने हल्का फुल्का स्नैक्स खा ही रखा है, तो मतलब इतनी भूख तो है नहीं अभी जल्दी, तो थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा, शाम की पूजा। आज मैंने सुबह 40 भी नहीं पढ़ी थी, तो अभी 40 भी पढ़नी है। और अमित और तन्वी की हो रही है वहाँ पढ़ाई, मतलब अमित तन्वी को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी चल रही है पढ़ाई। तब तक वो पढ़ाई करते हैं, तब तक मैं बत्ती चला लेती हूँ। तो
यस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धू च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान जी तन्नु की खांसी को ठीक कर देना जल्दी से, ओके? वाली क्यों नहीं पड़ी? तो जैसी मैं आरती करती हूँ और खत्म होने वाला होता है, तन्नु तुरंत आ जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पे तो मम्मी प्रसाद देगी। जब पूजा हो चुकी है मेरी, तो फिलहाल तो अभी खाना आना कुछ बनाना नहीं है, थोड़ी देर उन तन्वी के साथ बैठती हूँ। मैडम जब तक मैं वहाँ नहीं बैठूंगी यही आती रहेगी। मैं तो पढ़ा दूंगी, पर आप पढ़ लोगी इतना सारा? चलो मैं तुम्हारे लिए दूध बना लेती हूँ, ठीक है? तो तन्वी को हो रही है बहुत, 3-4 दिन से खांसी, और आजकल बच्चों को मौसम भी चेंज हो रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, किसी दिन ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है, इस वजह से भी आजकल खांसी जुकाम बुखार ये चीज़ लगा हुआ है, वायरल हो रहा है। इसके लिए मैं हल्दी वाला दूध बना के लेकर आती हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है, ओके? पसंद तो किसी को भी नहीं होता, दवाई पसंद है तुमको? नहीं पसंद है ना, तो फिर दवाई पीनी है या हल्दी वाला दूध? दूध ना हल्दी। और तन्वी भी मेरे साथ साबूदाना खाएगी, तन्वी को बहुत पसंद है। आपको व्रत है? चीनी चाहिए? ले लो इसमें से, रुक जाओ मैं दूंगी, रुको लो। आपको आपको व्रत है तन्वी? हाँ अच्छा, आपको खाने वाला व्रत है ना, सब कुछ खाने वाला, तो कर लेते हैं। हम 8 बज चुके हैं, अमित तो अभी नहीं खाने वाले हैं, तो नहीं, पापा 10 बजे नहीं खाएंगे, पापा बोले मैं 9 बजे तक खाऊंगा, तो अभी तो 8 बज रहे हैं, तो तन्वी और मेरा तो व्रत है तो मैंने खाना ही है जल्दी, तो इसके पापा बोले मैं देर में खाऊंगा, तो उनके लिए थोड़ी देर में बनाते हैं, तब तक हम खा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह हो चुका है एंड अभी बस तैयारी है, सोने की बिस्तर वगैरह लग चुका है। तन्वी देख रही है, क्या देख रही है तन्वी? कौन सा? So, अभी करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब एंड ये बेल बटन क्लिक करना। जो तन्वी जो भी बोलती है वो आपको पता ही होगा क्या बोलती है, क्योंकि ऐसे बोल अच्छे से बोलते हैं तो क्या समझ में आएगा फ्रेंड्स को, रुको। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।